जैसा कि आप थंबनेल को देख करके जान चुके हैं कि कक्षा 5 एवं 8 की प्रीवार्षिक मूल्यांकन का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, तो इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह आदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल पुस्तक भवन बीबिंग गरेरा हिल्स भोपाल से जारी किया गया है दिनांक 17 जनवरी 2020 को। प्रति जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय कक्षा 5 एवं 8 की वार्षिक परीक्षा 2019-20 के पहले प्री वार्षिक परीक्षा के आयोजन के संबंध में। विषयांतर्गत विदित है कि RTE एक्ट में हुए संशोधन के अनुक्रम में इस वर्ष कक्षा 5 एवं 8 की वार्षिक परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की जाना है एवं परीक्षा में बच्चों का डिटेंशन भी किया जाना है। इन परीक्षाओं में बच्चों द्वारा अच्छे अंक प्राप्त कर 100% उत्तीर्ण हो सके, इसके दृष्टिगत वार्षिक परीक्षा के पहले बच्चों की प्री वार्षिक परीक्षा ली जाएगी। प्री वार्षिक परीक्षा निम्नानुसार निर्देशों के तहत आयोजित की जाए। प्रीवार्षिक परीक्षा माह फरवरी 2020 के प्रथम सप्ताह में शाला स्तर पर ही आयोजित की जाए। परीक्षा की समय सारणी संलग्न है। कक्षा 5 एवं 8 के लिए प्रीवार्षिक परीक्षा समस्त विषयों की आयोजित की जाए। लिखित परीक्षा हेतु मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केंद्र से तैयार कराए जाकर प्रश्न पत्रों की सॉफ्ट कॉपी समय सीमा में जिलों को मेल की जाएंगी। शेष अन्य अल्प भाषा संगीत विषय के अतिरिक्त अंग्रेजी माध्यम एवं मराठी माध्यम के प्रश्न पत्र शाला स्तर से ब्लूप्रिंट अनुसार तैयार कराए जाएं। प्रश्न पत्रों की सॉफ्ट कॉपी जिले द्वारा शालाओं के प्रधानाध्यापक प्रभारी को जन शिक्षकों के माध्यम से भेजी जाएगी। शाला के प्रधानाध्यापक प्रभारी अन्य शाला शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को शाला के श्याम पट पर प्रश्न पत्र लिख कर बच्चों से परीक्षा कापियों पर उत्तर अंकित कराएंगे। ऐसी शालाएं जहां कक्षा 5 अथवा 8 में दर्ज बच्चों की संख्या 25 से 30 हो वहां शाला शिक्षक समस्त प्रश्न पत्रों की फोटोकॉपी कराकर बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। प्रश्न पत्रों एवं परीक्षा कापियों पर होने वाला वास्तविक व्यय शाला की आकस्मिक निधि से व्यय किया जाएगा। उक्त परीक्षा के तत्काल बाद शिक्षकों द्वारा बच्चों की कॉपियों का मूल्यांकन करते हुए यह देखा जाए कि बच्चों द्वारा कौन से प्रश्न के उत्तर गलत लिखे गए हैं एवं उन्हीं गलत उत्तरों को सही लिखने का अभ्यास कार्य बच्चों से कक्षा में कराया जाए। अतः उपरोक्तानुसार कक्षा 5 एवं 8 के बच्चों की प्री वार्षिक परीक्षा की शाला स्तर पर तैयारियाँ कराई जाना सुनिश्चित करें। संलग्न है उपरोक्तानुसार, यहाँ आपको हम टाइम टेबल दिखा देते हैं जिसके हिसाब से कक्षा 5वीं और 8वीं का प्री वार्षिक परीक्षा होना है। तो यहाँ देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल प्री वार्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम कक्षा 5 एवं 8 टाइम टेबल वर्ष 2020 नियमित के लिए। कक्षा 5 व 8 समय दिया हुआ है कक्षा 5 के लिए दोपहर 11 बजे से 1:30 बजे तक और कक्षा 8 के लिए 11 बजे से 2 बजे तक, यानी दोनों कक्षाओं के लिए अलग अलग टाइम टेबल है। इधर दिया हुआ है कक्षा और दिन, फिर इसके बाद यहाँ दिनांक भी दिया हुआ है। 3 फरवरी 2020 सोमवार को होगा मौखिक प्लस लिखित सामान्य हिंदी या फिर सामान्य अंग्रेजी, सामान्य उर्दू, सामान्य मराठी, जो भी होगा। और 5वीं से ही मंगलवार को यानी 4 फरवरी को द्वितीय भाषा होगी, 5 फरवरी को गणित यानी और फिर संगीत दृष्टिबाधितों के लिए मौखिक और लिखित सभी होगा। और 6 फरवरी 2020 को ये होगी प्रथम भाषा विशिष्ट भाषा यानी कि हिंदी, जहाँ की विशिष्ट भाषा अंग्रेजी होगी, उर्दू मराठी वो होगी। और 7 फरवरी 2020 को पर्यावरण अध्ययन होगा कक्षा 5 का। 8 फरवरी 2020 को ये अतिरिक्त विषय होगा जो सामान्य उर्दू मराठी आदि होगा। और कक्षा 8वीं के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 फरवरी 2020 को पहला पेपर होगा प्रथम भाषा विशिष्ट यानी कि हिंदी या फिर विशिष्ट अंग्रेजी या विशिष्ट उर्दू, विशिष्ट मराठी आदि, और सहायक वाचन उसी के साथ में हो जाएगा। अगला पेपर 4 फरवरी 2020 को होगा गणित संगीत दृष्टिबाधितों के लिए होगा। 5 फरवरी को होगा सामाजिक विज्ञान। 6 फरवरी को होगा तृतीय भाषा सामान्य यानी कि संस्कृत या फिर तृतीय भाषा सामान्य उर्दू
या तृतीय भाषा सामान्य पंजाबी मलयालम जो भी होगा वो होगा। 7 फरवरी 2020 को अगला पेपर विज्ञान होगा और 8 फरवरी 2020 को सामान्य अंग्रेजी होगा और 10 फरवरी 2020 को कक्षा 8 का सामान्य हिंदी या सामान्य अंग्रेजी, सामान्य उर्दू, सामान्य मराठी आदि होंगे। यहाँ नोट दिया हुआ है, निःशक्त विद्यार्थियों को मूल्यांकन निर्देशानुसार अतिरिक्त समय लेखक अनिवार्यतः प्रदान किया जाए। मौखिक मूल्यांकन परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा पश्चात आयोजित किया जाए। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। तो ये कक्षा 5 और 8 का जो प्रीवार्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम का टाइम टेबल है 2020 के लिए वो जारी कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि इसके हिसाब से बच्चों की तैयारियाँ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।